चलेगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है यूथ क्लास पे, है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने छोड़ा हुआ था आपने इकोनॉमी, है ना, इकोनॉमी छोड़ी हुई थी। तो देखिएगा, इकोनॉमी में हम लोग पंचवर्षीय योजना में चल रहे थे और काफी आगे भी हम लोग चले गए थे। और काफी बच्चों का कहना था कि सर अब ज्यादा से ज्यादा जीएस करवा दो, क्योंकि हिंदी और उत्तराखंड तो लगभग हमने प्लेलिस्ट जो है कंप्लीट कर ली है। तो अब हमारा जो टारगेट है अगला जो है वो जीएस है, है ना। तो चलेगा उसी क्रम में हम चलते हैं इकोनॉमी। देखिएगा, इकोनॉमी में मैं आपको 9वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ा चुका था, अब है 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना काफी इंपोर्टेंट है ना। 2002 से लेके 2007 तक इसका कार्यकाल रहता है 10वीं पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। सारा चीज आप लोग लिख लीजिएगा। इसका जो मतलब लक्ष्य वो था आर्थिक विकास, इसमें रखा गया, ठीक है, आर्थिक विकास इसका जो है लक्ष्य रखा गया, आर्थिक विकास इसमें कहा गया कि हम लोग आर्थिक विकास करेंगे। और ये भी याद रखिएगा, आगत निर्गत मॉडल पे आधारित थी। किस पे थी? आगत निर्गत मॉडल पे आधारित थी, ठीक है। और विकास लक्ष्य याद रखिएगा आर्थिक विकास का था। देखिए बच्चों, इसमें हाइस्ट हमने जो है अपना कैपेसिटी लगाई और 9% हमने लक्ष्य रखा, लिख लीजिएगा। 9% जो है हमने लगभग 8% 8% हमने लक्ष्य रखा और 7.7% हमने जो है प्राप्त किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8% लक्ष्य रखा और 7.7% हमने जो है प्राप्त किया। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना है, 2002 से 2007 तक इसका कार्यकाल चला। आर्थिक विकास इसका एजेंडा था और मॉडल जो था आगत निर्गत मॉडल पे ये आधारित थी, ठीक है। देखिएगा बच्चों, इस वाली पंचवर्षीय योजना में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो दो योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देखिएगा, भारत निर्माण कार्यक्रम। क्या है? भारत निर्माण कार्यक्रम, याद रखिएगा। भारत निर्माण कार्यक्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2005 और 6 में इसी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। अब देखिएगा, इसमें जो भारत निर्माण कार्यक्रम चलाया गया था इस पंचवर्षीय योजना में, इस निर्माण इस योजना का जो खाका है तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो है वो रखा हुआ था। और उनका कहना था कि यार अगर आपको भारत का विकास करना है तो उसके लिए भारत निर्माण कार्यक्रम करना होगा। और इसके तहत याद रखिएगा, उन्होंने 6 पैरामीटर्स रखे थे। इसके अंतर्गत भारत निर्माण कार्यक्रम में 6 योजनाओं को शामिल किया गया था। कहा गया था सबसे पहले देखेगा सिंचाई, देखेगा, ठीक है, सिंचाई। फिर दूसरा रोड, देखते रहेगा। तीसरा दूर संचार, ठीक है, जलापूर्ति, ये सब पूछा जाएगा, लिख लीजिएगा। सिंचाई हो गया, रोड हो गया, दूर संचार हो गया, ठीक है, जलापूर्ति हो गई, ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिकेशन कह सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन रूलर, ठीक है, ग्रामीण इलेक्ट्रिशियन इसमें कहा गया। और एक अंत में लिखिएगा, ठीक है, हाउस फैसिलिटी, मतलब आवास की उपलब्धता, आवास की उपलब्धता। तो ओवरऑल आपने देखा कि भारत निर्माण कार्यक्रम में 6 योजनाओं को शामिल किया गया था। पहला सिंचाई, दूसरा रोड, तीसरा दूरसंचार, चौथा जलापूर्ति, पांचवा इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, और छठा आपका आवास की उपलब्धता। तो डॉक्टर मनमोहन और जो वित्त मंत्रालय था उसका मानना था कि इन 6 योजनाओं के माध्यम से हम लोग जो है भारत निर्माण कार्यक्रम जो है उसको सफल बना सकते हैं। और 2005 में लागू हुई तत्कालीन टाइम से भारत सरकार ने इन 6 सेक्टरों पे जो है काम करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने सिंचाई को फोकस किया और सिंचाई के माध्यम से कहा कि जिस तरीके से तराई गंगा के मैदानों पे सिंचाई पहुंचती है तो उसी प्रकार से प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो, जिससे हमारा जो कृषि क्षेत्र में उत्पादकता है वो बहुत बड़े पैमाने पर हो। क्योंकि भारत की अधिकांश जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, याद रखिएगा, वो क्या करते हैं, सिंचाई पे निर्भर होते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्होंने सिंचाई को इस कार्यक्रम में ज्यादा प्रमोट किया था। दूसरा याद रखिएगा, रोड को, तो इन्होंने कहा था अगर भारत निर्माण हमने करना है तो जिस तरीके से शहर एक टाउन जो है
वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो उसी तरीके से अगर भारत को हमने आगे बढ़ाना है तो उसकी ज्यादातर जनसंख्या जो है ग्रामीण जो है गांवों में निवास करती है, वहां तक हमें रोड की उपलब्धता करवानी पड़ेगी, जिससे वो भी भारत के योगदान में यानी कि भारत के डेवलपमेंट में भारत के विकास में अपना पूर्ण योगदान दे सके। ठीक है, ये इनका कहना था। तीसरा, दूरसंचार। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से कहा गया था कि जो दूरसंचार है वो सिर्फ आपका जो है शहरी क्षेत्र तक ही सीमित ना रहे, वो जो है ग्रामीण क्षेत्र तक भी दूरसंचार जो है पहुंचे। ठीक है, जिससे जो ग्रामीण टेक्नोलॉजी है, ग्रामीण समाज है, वो भी एक प्लेटफॉर्म पे आए और वो भी दूरसंचार को जितनी जल्दी टेक्नोलॉजी को जो है अचीवमेंट करे और उसके माध्यम से क्या करे वो भी योगदान दे टेक्नोलॉजी में। ठीक है, और उनको अब दूर नहीं रखा जा सकता। 2G 3G 4G जो सुविधाएं हैं वो शहरों में दे रहे हो, वही सुविधा आपको क्या देनी पड़ेगी, ग्रामीण में देनी पड़ेगी। तीसरा दिखेगा जलापूर्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वर्तमान में जो 15 वित्त आयोग है वो सबसे ज्यादा काम कर रहा है जलापूर्ति में। अमृत महोत्सव, अमृत सरोवर योजना आपने सुनी होगी। ठीक है, तो जलापूर्ति, आपने जल जीवन मिशन सुना होगा, हर घर जल हर घर योजना। ये जो हर घर जल हर घर योजना है वो जलापूर्ति का ही हिस्सा है, याद रखिएगा, कहीं ना कहीं वो भारत निर्माण कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है। तो जलापूर्ति के माध्यम से कहा गया कि प्रत्येक ग्रामीण लोगों को, ठीक है, जलापूर्ति के लिए जो है उनको जल की उपलब्धता होनी चाहिए, जिनसे उनको भी जो है पानी के पीने मतलब पीने के जो पानी है वो उपलब्ध हो। ठीक है, तो इसके माध्यम से वर्तमान में जो भारत सरकार है वो जल जीवन मिशन कार्यक्रम चला रही है। बहुत ही बड़े लेवल पे जल जीवन मिशन कार्यक्रम चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जल जीवन मिशन में जैसे हम लोग भी है तो हम लोगों को भी इन्वॉल्व किया गया है उसमें, ग्राम पंचायत सेक्टर में। तो वहां पे क्या हो रहा है, भारत सरकार DPR बना रही है, 3 फेज में उसको काम जो है समाप्त करेगी। पहला फेज है कि लाइनिंग बिछाने का। ठीक है, लाइनिंग बिछा दी। अब देखिएगा ये लोग क्या कर रहे हैं, गांव घरों के जो मेन स्रोत हैं, समझ में ना, जो मेन धारे हैं जो हाई टॉप से आ रहे हैं, वहां से पंपिंग करके मतलब वहां से पाइपलाइन बिछा के पूरे गांव को जो है पानी दे रहे हैं। अब देखिएगा इससे, ठीक है, आपने मानव सभ्यता के लिए तो पानी की व्यवस्था कर दी, लेकिन आप एक चीज सोचिएगा, नुकसान क्या है। देखो बच्चों, जो मूल स्रोत है ना वही पूरे गांव में ऐसे गूल या हम लोग कहते हैं ना छोटे से नाले, और जहां से मूल स्रोत से निकलता पानी छोटे छोटे नालों में, छोटे छोटे जो झरने इस टाइप के होते हैं। तो अब जो भारत सरकार है जल जीवन मिशन के तहत यहीं पे टैंक सब चीज बना के ये पानी जो है गांव को सप्लाई कर रही है। यार एक चीज बताओ, इस पानी से गांव को तो सप्लाई कर रहे हो, अगर ये रुक गया ना पानी जो यहाँ पे इस रीजन पे इस पूरे क्षेत्रों में आ रहा था, तो इस वाले क्षेत्रों में कहीं ना कहीं आपके जीव जंतु, समझवाना, पर्यावरण संतुलन, पर्यावरण, पेड़ पौधे, ये सारे इसी पानी से पनप रहे हैं, समझ में ना। आपने मूल स्रोत में ही सब चीज बना के कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, जो मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है। ये किसी ने नहीं पढ़ाया होगा ना किसी ने बताया होगा, पर जिस तरीके से मैं गांव घरों में देख रहा हूं, इसका डेवलपमेंट देख रहा हूं, आगामी टाइम पे मैं सोच सकता हूं कि इसके दुष्परिणाम इसी तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, याद रखिएगा, उन्होंने कहा आपने रोड दे दी, दूरसंचार दे दिया, जलापूर्ति दे दी, सिंचाई दे दी, अगर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी आप नहीं दे पाए तो इससे ये सारी चीजें जो है बेकार रह जाएंगी। अगर ग्रामीण समाज को बढ़ाना है तो वहां पे भी 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अवेलेबल रहे। अगला, विकास की उपलब्धता। एक तो इंदिरा आवास चली रहा है 1985 से, उसे प्रधानमंत्री आवास योजना अब नाम दिया गया है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 1,47,500 रुपए मिलती है और शहरी क्षेत्रों में वही थोड़ा कम हो जाता है। शहरी क्षेत्रों में आई थिंक, ये तो पता नहीं है मुझे इतना नहीं, लेकिन हाँ ग्रामीण क्षेत्रों का पता है 1,47,000 मिलती है। तो आवास की उपलब्धता भी इसमें रखा गया। तो इस प्रकार से 2005-06 में जो खाका रखा गया था भारत निर्माण का, इन 6 बिंदुओं पे समाहित किया गया था। इन फ्यूचर में याद रखिएगा, आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये ही इसी पे आपको काम करना है। कल के दिन आप ऑफिसर बनते हो या अधिकारी बनते हो तो आपको इन्हीं सेक्टरों पे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए सबसे ज्यादा सरकार जो है फोकस करवाएगी, क्योंकि आप बड़े लेवल के अधिकारी बनोगे तो इस लेवल पे सरकार भी आपको जिम्मेदारी देगी, एरिगेशन की दे दी, रोड की, दूरसंचार की, जलापूर्ति की, इलेक्ट्रिसिटी की, आवास उपलब्ध की। तो वर्तमान में सरकार जो है, मोदी सरकार है, वो भी इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज्यादा फोकस कर रही है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था भारत निर्माण कार्यक्रम, ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में।
अगला याद रखिएगा, इसमें मनरेगा को चलाया गया था, ठीक है, मनरेगा जो नरेगा था, और इसमें कहा गया था कि 2007 तक सभी लोगों को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ा जाएगा, ठीक है, प्राथमिक एजुकेशन से जोड़ा जाएगा। दूसरा देखिएगा, इसी पंचवर्षीय योजना में 2 फरवरी 2006 को एक बहुत बड़े, ठीक है, रोजगार जिसे आप मनरेगा कहते हो, उस टाइम पे नरेगा कहा जाता था क्योंकि महात्मा गांधी नाम नहीं जुड़ा था, ठीक है, ये इसको लॉन्च किया गया था। ये सारी चीजें लिखेगा, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ये जो था, ये था इसका, इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, गारंटी कार्यक्रम, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को लेके जो एक्ट पास हुआ, इसका एक्ट भी पूछेगा आपसे, मनरेगा का एक्ट तो बच्चों 2005 का था, ठीक है, एक्ट 2005 का था, लेकिन ये योजना जो धरातल पे आई वो 2 फरवरी 2006 को आई मनरेगा। इसके बच्चों, इसके तहत इसका इंट्रोडक्शन दे तो स्टार्टिंग में इसको आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, ठीक है, अनंतपुर जिले से लॉन्च किया गया था, अनंतपुर से लॉन्च किया गया था इसको, और स्टार्टिंग में 2006 से 2008 तक ये भारत के 27 राज्यों के 200 जिलों में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। भारत सरकार देखना चाह रही थी कि ये जिस मोटिव से हमने, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण बेरोजगार है, जो असक्षम लोग हैं, उनको 100 दिन का जो कार्यक्रम है, याद रखिएगा, 100 दिन का रोजगार देने के लिए जो कार्यक्रम है, ये कहीं ना कहीं गरीबी मिटाने के लिए था, और कहीं ना कहीं ये इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए इन्होंने 200 जिलों में किया। इसके बाद जैसे ही इसके जो है पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए, तो भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2008 को इसे पूरे भारत के सभी जिलों में लागू कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जब ये लॉन्च हुई थी 2 फरवरी 2006 को, तो ये भारत के सभी जिलों पे जो है इंप्लीमेंट नहीं हुई थी, भारत के किसी किसी जिले में इंप्लीमेंट हुई थी, बाद में ये पूरे भारत में इंप्लीमेंट हुई 1 अप्रैल 2008 को, ठीक है। इसके तहत याद रखेगा, अगर आप मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार चाहते हो, तो इसके तहत आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप बढ़िया तरीके से आज पढ़ोगे नहीं, तो लास्ट ऑप्शन, एंड ये वो बोलते हैं ना कि लास्ट ऑप्शन है भाई, यही है मनरेगा है, आपके पास कुछ नहीं भी होगा तो लास्ट ऑप्शन है मनरेगा। लेकिन यार आप पढ़ रहे हो, आप जिंदा जागता, मतलब जीती जागती आप में मिसाल, मतलब कह सकते हो यार, अगर आप इस लेवल पे आते हो ना तैयारी के बाद, मैं कह सकता हूं कि किसी के साथ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ कंडीशन में अगर आप ह्यूमन हो तो ठीक है। ह्यूमन नेचर के लिए एक बात कही गई है, बहुत ही अच्छा कोट मुझे लगता है, देखिएगा, आप अगर गरीब पैदा हो गए हो तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब मर रहे हो तो इसमें आपकी ही गलती है। क्यों कहा गया होगा ये कोट बताइएगा, क्योंकि आपकी लाइफ है, देखिएगा, हर किसी की लाइफ, हर किसी की जर्नी होती है, हर कोई स्ट्रगल करता है इस लाइफ में, कोई किसी तरीके से कर रहा है, कोई किसी की तरीके से कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है, लेकिन एट द एंड अगर आपका स्ट्रगल जो है वो सफलता में कन्वर्ट हो जाता है, तो वही पॉजिटिव स्ट्रगल बोला जाता है। अगर आपने स्ट्रगल किया और आप सफल नहीं हो पाए, तो आप किस में काउंट हो जाएंगे, असफल में काउंट हो जाएंगे, आपके लिए तरह तरह की समाज में जो है बातें बनना शुरू हो जाएंगी, आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत बड़े अवसाद में चले जाएंगे, और एट द एंड आप जो है फिर अपने आप को कोसना शुरू कर देंगे बहुत बड़े लेवल पे, जब सारे के सारे चांस आपके हाथ से निकल गए होंगे। क्योंकि पहाड़ी समाज में देखिएगा 30 के बाद, ठीक है, लगभग 30 साल के बाद जो है पहाड़ी समाज में, वो हमारे यहाँ हो जाता है कि लड़के की शादी कर दो, ये कर दो, मतलब वैसे तो 24-21 में है, लेकिन मोस्ट ऑफ आप आजकल 30 मानो, और 30 के बाद आपकी शादी नहीं हो रही, आपकी जॉब नहीं लग रही, आप तैयारी में हो, तो सारे लोग ताने मारना शुरू कर देंगे, या तो आप इतने स्ट्रांग हो कि आपको सिर्फ ऑनली ऑन आपका लक्ष्य दिखाई दे, किसी की बातें ना दिखाई दे, होना भी वही चाहिए, कोई कितना भी आपके बारे में कहे, कहने दो, ठीक है, आपका लक्ष्य बड़ा है, आपका फोकस बड़ा है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। एट द एंड आपको एक फाइनली, ठीक है, ये ऑप्शन बता रहा हूं कि ये ऑप्शन है आपके लिए, अगर आप बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ोगे तो मनरेगा, ठीक है, लेकिन जाना नहीं है यार, जिंदगी है मनरेगा में, ठीक है, दैट इज लास्ट ऑप्शन है। ये वो लोग हैं
जिन्होंने ना पढ़ा है ना लिखा है, ना वो समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़े हैं, ना उनको टेक्नोलॉजी, ना उनको स्किल का पता है, ये वो लोग, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मोस्ट ऑफ वो लोग होते हैं, ठीक है। वरना तो बहुत कम लोग यहाँ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि दिहाड़ी बहुत कम होती है, ठीक है। तो 100 दिन का रोजगार आपको चाहिए तो जा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसके लिए आपको जॉब कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, जॉब कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा। और जॉब कार्ड अप्लाई कर दिया आपने, आपका जॉब कार्ड जो है आ जाएगा जल्दी से जल्दी, 15 दिनों के भीतर आपको जॉब कार्ड मिल जाएगा, जॉब कार्ड मिल जाएगा। जॉब कार्ड मिलने से 15 दिनों के अंतर्गत अगर आपको मनरेगा में रोजगार नहीं मिल रहा है, देखिएगा 15 दिनों के अंतर्गत आपको रोजगार नहीं मिल रहा है किसी कारणवश, तो भारत सरकार ने इस योजना के तहत जो है बेरोजगारी भत्ता या अन्य भत्ते की भी व्यवस्था है, आप इसमें भत्ते के भी हकदार हो। अगर 15 जॉब कार्ड मिलने के 15 दिन के अंतर्गत आपको रोजगार नहीं मिल रहा मनरेगा के तहत, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा बच्चों, इसका जो स्टार्टिंग नाम था वो था नरेगा, और 2 अक्टूबर 2009 को इसके नाम के आगे महात्मा गांधी जुड़ गया, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम इसका नाम हो गया, और 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम मनरेगा हो गया, ठीक है। तब से इसे मनरेगा कहते हो, स्टार्टिंग में ये नरेगा थी, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इसकी बात करें तो बच्चों, इसमें कहा गया है कि इस मनरेगा के कार्यक्रम में 33% जो हिस्सेदारी होगी वो महिलाओं की होगी, है ना, 33% जो हिस्सेदारी होगी वो किसकी होगी, महिलाओं की होगी। महिलाओं को आपको 33% रोजगार इसके तहत देना ही पड़ेगा, और मैक्सिमम एक दिन, एक परिवार को 100 दिन का रोजगार आपको देना पड़ेगा। लेकिन किसी किसी राज्य में, राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो राज्य उसको 100 दिन को 200 दिन में 250 दिन में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे उत्तराखंड में वर्तमान में 213 रुपया जो है इसके अंतर्गत दिहाड़ी है, और वहीं राजस्थान में देखोगे तो 270 के आसपास में, वही महाराष्ट्र में भी ऐसे ही है 275 के आसपास में। तो इसके बाद मनरेगा में दिहाड़ी बढ़ाना वहां की राज्य सरकार पे जो है केंद्र सरकार ने डिसीजन दिया है कि आप भी जो है इसके तहत दिहाड़ी बढ़ा सकते हो, राज्य अपनी सक्षमता के हिसाब से बढ़ा सकता है। महाराष्ट्र के पास अगर ज्यादा है तो वो चाहे तो 1000 रुपये भी कर सकता है और 2000 भी कर सकता है। और जिस दिन उत्तराखंड सरकार ने मनरेगा में 3000 दिहाड़ी करना शुरू कर दिया, तो उस दिन सारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी छोड़ के मनरेगा में आ जाएंगे। 3000 दिहाड़ी कम थोड़ी होती है, वो भी घर में रोजगार मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है यार, ये जो दिहाड़ी मिलेगी ना, इससे आपका जो माइंड का डेवलपमेंट है ना वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। आपको मनरेगा एक दिन भर फौड़े, मतलब बेलचा हो गया, ठीक है, सब्बर हो गया, यही चीज पकड़ के पकड़ते रहोगे और पत्थर ढोते रहोगे और वही चीज देखोगे, वही विकास है आपका, फिर वही विनाश है, ठीक है। तो उसी से आप करोगे, शाम को घर आओगे, ठीक है, क्या होगा, दिन भर काम करोगे, शाम को आ जाओगे, थक के सो जाओगे, आपकी लाइफ बिल्कुल वो हो जाएगी, मतलब। और जिस दिन काम नहीं करोगे उस दिन पैसा नहीं मिलेगा, समझ में ना, जिस दिन काम नहीं करोगे उस दिन पैसा नहीं मिलेगा डेफिनेटली, है ना, तो समझ में आया ना। तो इस प्रकार से 10वीं पंचवर्षीय योजना भारतीय इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट रही है, याद रखिएगा। इसके बाद आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना। ये ज्यादा खास नहीं, इनमें ज्यादा उतना कुछ लगाया नहीं था भारत सरकार ने, ठीक है। तीव्र विकास व समा तीव्र व समा तीव्र व समावेशी विकास इसका जो है लक्ष्य रखा गया था। ये चली थी 2007 से लेकर 2012 तक, याद रखिएगा, ठीक है। इस पंचवर्षीय योजना में 2011 और 2012 में एक योजना चली थी, आई थिंक उसका नाम मैं बता रहा हूं आपको, स्वाभिमान योजना, ठीक है, स्वालंब योजना नाम आ रहा, स्वाभिमान योजना, गलत नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान योजना चलाई गई थी 2011-12 में। अब मुद्दा है कि सर स्वाभिमान योजना थी क्या, ठीक है। स्वाभिमान योजना देखिएगा बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई थी, इसका मतलब किसी और से मत लीजिएगा। जो स्वाभिमान योजना थी 2011-12 में चलाई गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, ये जो है बैंकिंग सिस्टम से संबंधित थी, ठीक है। इसके तहत कहा गया था कि जो भी, जिन भी ग्रामीण क्षेत्रों में गांव की जनसंख्या 2000 से ऊपर है, उन सारों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाए,
तो स्वाभिमान योजना का जो उद्देश्य था यही था, लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। 2000 अक्टूबर 2019 में इसी के तहत भारत सरकार ने साक्षर भारत कार्यक्रम चलाया। इसी टाइम पे आपने देखा होगा कि 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है, जो शिक्षा का अधिकार था, अधिकार, मौलिक अधिकार बना दिया गया, तो वो भी इसी टाइम पे इंप्लीमेंट हुआ। 2009 में एक्ट बनाया गया और 1 अप्रैल 2010 से इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया और इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी में भी रखा गया और मौलिक कर्तव्यों की भी श्रेणी में रखा गया। 51 कौ में भी रखा गया मौलिक कर्तव्य में और आर्टिकल 21A में इसको जो है आर्टिकल 21A में मौलिक अधिकारों में श्रेणी दी गई। और इसके तहत याद रखिएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ही रखा गया, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को रखा गया, 0 से 5 नहीं और 14 से 18 नहीं, कितना, 6 से 14 वर्ष। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे बोलते हैं राइट टू एजुकेशन, RTE बोलते हैं, ठीक है, एक होता RTI बोलते हैं, ठीक है, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन होता RTI जो 2005 में लागू हुई थी, RTE राइट टू एजुकेशन ये 2010 में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुई थी पूरे भारत में, ठीक है, RTE और RTI 2005 से, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTE का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन, तो दोनों में बेसिक सा फर्क है, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिएगा इसमें और बातें भी कही गई थी जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए, कहा गया था कि जनसंख्या का नियंत्रण किया जाएगा और 16% जो है वृद्धि दर रखी जाएगी, ठीक है, 16% वृद्धि दर रखी जाएगी, 500,000 रोजगार जनरेट किए जाएंगे, स्टार्टिंग में ये 8.1% इसका अचीवमेंट रेशियो है, दिखेगा ये काफी सफल योजनाओं में से एक है, ठीक है। तो ये रही 2007 से 2012 तक की योजना, ठीक है। इसके बाद 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया, लिख लीजिएगा 2012 से 2017। इसमें आर्थिक जो है आपका याद रखिएगा कृषि क्षेत्र का अचीवमेंट था 4% 12वीं पंचवर्षीय योजना में, लिखिएगा, उद्योग का था 7.2% और सेवा सेक्टर का था 9% जो अचीवमेंट रखा गया था, लिख लीजिएगा, ये लक्ष्य रखा गया था। पूछा गया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिए कितने परसेंट का लक्ष्य रखा गया था, 4%, उद्योग के रखा गया था 7%, 2% और सेवा के रखा गया था 9%। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, मेंशन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये 7.6 था उद्योग, 7.2 नहीं, 7.6 कर लीजिएगा इसको, ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में आपने देखा होगा 2013 के बाद मोदी सरकार आ गए, इन्होंने 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत कार्यक्रम चलाया, है ना, स्वच्छ भारत कार्यक्रम के तहत इन्होंने कहा था कि 2 अक्टूबर 2019 को जो महात्मा गांधी की 125वीं जयंती होगी 2019 को, उस तक भारत पूरा स्वच्छ हो जाएगा, है ना। इसके तहत आपने देखा होगा बार बार कार्यक्रम चलाया था, इसमें काफी कार्यक्रम चलाए गए थे, ठीक है, आप याद कर लीजिएगा, जैसे मेक इन इंडिया हो गया। इसके बाद क्या किया भारत सरकार ने, इसको याद रखिएगा, 31 दिसंबर 2014 को लगभग आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई और 1 जनवरी 2015 से इसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की गई और नीति आयोग ने जो है इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त करते हुए जो 5 वर्षीय परियोजना थी उसका कॉन्सेप्ट समाप्त कर दिया और कहा गया कि भैया अब 15 वर्षीय 10 वर्षीय ऐसे बनाते, बहुत हो गया 5 वर्षीय। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन आएगा, दो है, देखिएगा, अपने कार्यकाल से पहले समाप्त होने वाली 2 पंचवर्षीय योजना होगी, एक तो आपकी कौन सी होगी 5वीं और एक हो गई 12वीं, ये 2 हो गई, ठीक है, ये दोनों मेंशन कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से इन योजनाओं का, पंचवर्षीय योजना का द एंड हुआ। अब चलते हैं इकोनॉमी में नए टर्म्स की और कल से, ठीक है, बहुत ही तरीके से और एक नए व्यू में हम लोग चलते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या निकलना है, तो करते हैं उसका, ठीक है, तो कल से कंटिन्यू रहेगा। तो आज लाइव क्लास ले रहे थे, तो यार मैं जो है सॉफ्टवेयर जो है अब क्या करें, किस्मत ही ऐसी है ना, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बीच में मैंने आपको बताया था कि मेरी प्रॉब्लम थी, मेरा बैक मतलब जो है काफ़ी प्रॉब्लम में मैं रहा हूँ पिछले 1 साल से, काफी मतलब ऐसा दर्द होता है ना मेरे, कहने उठा नहीं जाता, आप रियलिटी बताओ,
ऑफलाइन में तो कई बार मजबूरी में जाना पड़ता है, क्योंकि ऐसा होता है कि ऑफलाइन ना जाओ तो फिर इधर उधर हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन आप तो अपने ही बच्चे हो, है ना। आपको तो मैंने काफी हिंदी और उत्तराखंड सारा कंटेंट करवा दिया है, अब जीएस का ही करवाना है मोस्ट ऑफ मुझे लगता है, क्योंकि अगर आपका हिंदी नए बैच वाले सोर्स से नहीं हुई है तो आप लोगों का ओल्ड बैच की जो हिंदी है उसे पढ़ लो यार, है ना। कोई दिक्कत थोड़ी है, एडजस्ट तो करना है, कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है, मेनली वो है। ठीक है, सिलेक्शन इज इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। बाकी आप अपनी लाइफ में कुछ भी करें, एक मोटिव रखें कि सिलेक्शन आपको लेना है। बाकी देखिएगा, मैंने हिंदी का जो है आपको पेपर लेने के लिए बोला है, इस बीच में मेरी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, आपको पता है मैं 5-6 दिन तो हल्ला नहीं रहा, है ना। ट्रीटमेंट चला मेरा, 4 से 5 दिन हल्ला नहीं रहा, वहाँ ट्रीटमेंट चला, और अभी तो थोड़ा सही है, अभी ट्रीटमेंट के लिए बाद में मुझे और जाना है। ठीक है, तो कंटिन्यू ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उम्मीद है कि सही हो जाएगा। बहुत ही मतलब अब मैं बता नहीं सकता, 100 हड्डियों के टूटने बराबर दर्द होता है, कई बार तो ऐसा होता है कि मेरे कहने उठा ही नहीं जाता है। मैंने एक्चुअल में पहले पिछले साल जिम कर दिया, और जो जो उसमें बिना ट्रेनर के जो है वेट उठा दिया, और बेल्ट बांधी नहीं हुई थी, और बिल्कुल मांस जो है ना वो हल्का सा मतलब डैमेज हो गया था, और बहुत भयंकर लेवल पे दर्द होता है। तो धीरे धीरे उसने जो मैंने बताया था, और इसी बीच में मैं काला ढूंगी वाले कुंवर क्लास जो है हरीश सर, हरीश कुंवर जी, उनसे भी मिला था, कुंवर जी से भी मिला था, तो कुंवर जी का भी काफ़ी अच्छा जो है अप्रोच रहता है बच्चों के लिए, काफ़ी पॉजिटिव वो रहते हैं ना। और यार ना आप लोग ना अपना सेपरेट रहो, ठीक है, कोई सोशल मीडिया में क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा है, अपना ना फोकस डिस्ट्रॉय मत करो। ठीक है, आपको आप विरोध जरूर करो, अगर गलत हुआ है तो उसका विरोध करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई सही बच्चा है तो उसका विरोध करो। ठीक है, सही बच्चे का विरोध मत करो, जो गलत लोग हैं उनका विरोध करो। बाकी तो आपने देखा होगा कि एक से एक आपने देखा होगा कि लोग निकल रहे हैं, वो एक से एक कमेंट कर रहे हैं, सारी चीजें आपने देखा होगा, कितना कुछ क्या क्या बोल रहे हैं, मेरे तो समझ में भी नहीं आ रहा है। कई बार तो मन करता है कि ग्रुप में इनकी पोस्ट अप्रूव ही ना किए जाए, है ना, तो वो टारगेट बना हुआ है। तो देखिएगा, व्यवस्था सही बनी रहे इसके लिए उचित है कि सरकार अच्छा कदम उठाए, जिससे इन फ्यूचर में जो छात्र हैं, ठीक है, वो आगामी पेपरों की तैयारी बिल्कुल मन से करे, दिल से करे। गरीब बच्चा है यार उत्तराखंड में, ठीक है, इतना पैसा है नहीं, अगर इतना पैसा होता मेरे पास होता तो मैं तो बिजनेस करता यार, ठीक है, यहाँ कहाँ आके बिजनेस करते, बढ़िया अपने मालिक होते, ठीक है। यहाँ तो आपको बताइए सरकार के ऑर्डर में रहना है, सरकार के काम करने हैं, आपको नहीं भी नींद भी आ रही है, अगर फोन आ गया तो जाना है, ठीक है, जाना तो जाना है सरकारी जॉब पे, वरना स्पष्टीकरण लिया जाएगा। तो ये है मतलब कहने का मतलब, ठीक है, तो पढ़िएगा और मेहनत करें, और आपके पेपर हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो ज़्यादा फोकस होगा पढ़ाई की ओर होगा, ठीक है, फालतू चीज़ों की ओर ना करें यार, ध्यान ना दें, मैं पहले बता रहा हूँ, फालतू चीज़ों की ओर ना ध्यान दें। मुझे फॉलो करते हो अगर आपको लगता है, देखिएगा कई बार हो जाता है यार, आदमी कई बार थक जाता है, हम भी जॉब वाले हैं। अब जैसे कल मुझे सुबह ही निकलना है, 9 बजे मीटिंग है मेरी, मैं शाम को आऊँगा 3-4 बजे, हालांकि मैं पूरी कोशिश करूँगा कल क्लास देने की, आप टेंशन ना लें, ठीक है। तो 3-4 बजे आजकल मतलब ऐसा भी चल रहा है कि मेरा बीच में दर्द भी हुआ था, और लगातार राशन कार्ड का सत्यापन चल रहा था, और तो पंचायतें भी ज़्यादा है तो लगातार मुझे वहाँ जाना पड़ रहा था, विरोध हो रहा था, अरे मतलब मीटिंग में ऐसा हो रहा था, आप क्या बताओ आपको, ठीक है, होता है मतलब गांव घरों में, आपको बताइए क्या माइंड सेट होता है लोगों का, अगर वहाँ तो एक दूसरे में ज़्यादा जलन ही जलसी की भावना होती है, ये तो मैंने देख ही दिया है अपने कार्यकाल में। लेकिन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए यार, है ना, अगर कोई गरीब आदमी है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको आगे लाना चाहिए, उसको जो भी वो सरकारी सेवाओं से वंचित है उसको सरकारी सेवा दिलानी चाहिए। मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी गांव में जाता हूँ तो सबसे गरीब आदमी को ही जो है टारगेट करने की कोशिश करता हूँ कि उस तक मैं पहुँचूँ, उस तक हम लोग पहुँचे, सरकारी सेवाएँ पहुँचे, वो किसी भी चीज़ से जो है मतलब वो ना रहे, मतलब अछूता ना रहे, उस बेचारे को वो सारी योजनाएं मिले जिसके लिए सरकार ने उनको उनके लिए बनाई गई है। तो यही आपका मोटिव भी रहना चाहिए, कल के दिन में आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो मतलब मेनली आप अपने दिल से भी कोशिश करें कि यार उसी लोग को फायदा मिले जो सबसे गरीब आदमी है। हम नहीं करेंगे तो फिर कोई नहीं करेगा, याद रखेगा, आने वाली पीढ़ी काफी सुधार करेगी, उम्मीद है कि आप लोग भी करोगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिएगा, ठीक है, बी पॉजिटिव, कीप गोइंग, कीप हार्ड वर्किंग, और आपको बताया सक्सेस तो मिली जाएगी, ठीक है, कहीं नहीं जाती, वो यहीं रहती है। चलेगा, ऑल द बेस्ट आगामी पेपरों के लिए, मिलते हैं, अब तो कंटिन्यू मुलाकात होती रहेगी। तो आज का टॉपिक कैसा लगा, भारत निर्माण कार्यक्रम, मनरेगा, 2 टारगेट थे मेरे, मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है ना, उनको समझेगा। हाँ, और मनरेगा में एक चीज़ था कि आप अपने गाँव के दायरे से रह के 5 किलोमीटर के अंदर
किसी भी रेंज में काम कर सकते हो मनरेगा में, अपने जहां पे रह रहे हो उससे 5 किलोमीटर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं पे भी 5 किलोमीटर के रेंज में काम कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलेगा, आप सभी लोगों को शुभ रात्रि।